आईपीएल 2021 की शुरुआत में सिर्फ 4 दिनों का समय बचा हुआ है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, यूएई वाले इस आईपीएल में अभी तक कुल 15 विदेशी प्लेयर्स छोड़ चुके हैं आईपीएल का साथ, आईपीएल को ठेंगा दिखा चुके हैं। आज इस वीडियो में इन सभी 15 प्लेयर्स के नाम बताऊंगा जो नहीं आएंगे इस साल के आईपीएल में यूएई में, साथ ही इन 15 प्लेयर्स के स्थान पर कौन कौन से नए प्लेयर्स हर टीम में डाले गए हैं उनके नाम भी बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक दोस्तों जरूर देखना। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम आरसीबी की टीम से। अगर हम आरसीबी की टीम की बात करें तो अभी तक इस पूरे आईपीएल के सिनेरियो में 5 ऐसे खिलाड़ी हैं, 5 विदेशी प्लेयर्स हैं आरसीबी के जो बाहर हो चुके हैं। उनके नाम है दोस्तों एडम जैम्पा, डेनियल सैम्स, जोसुआ फिलिप, केन रिचर्डसन और फैबियन एलन। दोस्तों जोसुआ फिलिप पहले बाहर हुए थे और उनकी रिप्लेसमेंट के रूप में फैबियन एलन आए थे और उसके बाद फैबियन एलन भी बाहर हो गए। तो इस तरह से कुल मिलाकर कुल 5 आरसीबी के प्लेयर्स बाहर हुए हैं। इन 5 आरसीबी के प्लेयर्स के स्थान पर आरसीबी ने 4 नए खिलाड़ियों की एंट्री अपनी टीम में यूएई वाले आईपीएल के लिए कराई है। उनके नाम है दोस्तों दुश्मनता चमीरा, जी गार्टन, टिम डेविड और वनांदु हसरंगा, 2 लंकाई प्लेयर, 1 सिंगापुरी प्लेयर, 1 इंग्लिश प्लेयर। तो इस तरह से आरसीबी में नए खिलाड़ियों की एंट्री हो गई है। अमूमन ये प्लेयर्स, इनमें से कोई किसी का स्थान प्लेइंग 11 बनना नामुमकिन ही लग रहा है, हसरंगा का बन गया तो बन गया क्योंकि पहले से आपके पास मैक्सल एबीडी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आरआर की टीम की, लेकिन उससे पहले बता दूं सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए, शेयर करके रखिए। आप में से 60% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आईपीएल का ऐसा कंटेंट और कहीं नहीं मिल रहा है, तो सब्सक्राइब के बटन को एक मुक्का मार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आगे बढ़ते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करते हैं, तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से अभी तक 4 प्लेयर्स आउट हुए हैं। नाम है दोस्तों बेन स्टोक, जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर और एंड्रू टाय। अब आप दोस्तों खुद ही देख लीजिए कि आरसीबी के भी 4-5 प्लेयर्स बाहर हुए हैं, राजस्थान रॉयल्स के भी 4-5 बाहर हुए हैं, लेकिन राजस्थान को घाटा बड़ा है क्योंकि राजस्थान के भाई जो टॉप विदेशी प्लेयर्स है ना वो आउट हो गए। इनके स्थान पर जो खिलाड़ियों को दोस्तों बुलाया गया उनके नाम है दोस्तों जे फिलिप, तबरेज शमसी, एवन लुइस और ओशन थॉमस। ये वो 4 नए खिलाड़ी हैं जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम में एंट्री ले रहे हैं। फिर वही बात है भाई, राजस्थान रॉयल्स के जो मेन विदेशी प्लेयर्स हैं उनकी कमी कोई पूरी कर नहीं सकता और इन खिलाड़ियों के आने से भी कोई बहुत बड़ा कह लेना कि बहुत बड़ा फायदा हमें राजस्थान रॉयल्स में होता हुआ दिख नहीं रहा है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए कि राजस्थान रॉयल्स की टीम किस पोजीशन पर फिनिश करेगी, क्या नंबर 5 पर रहेगी जिधर अब है या फिर नीचे ऊपर जाएगी। आगे बढ़ते हैं पंजाब किंग्स की टीम की बात करते हैं। पंजाब को भी अच्छा खासा घाटा लगा है क्योंकि पंजाब की टीम के 3 विदेशी प्लेयर्स यूएई वाले आईपीएल से आउट हुए। इनके नाम है दोस्तों रिले मेरेडिट, डेविड मलान और जाय रिचर्डसन। ये तीनों इनके टॉप विदेशी प्लेयर्स हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि डेविड मलान पिछले 2 दिन पहले ही आउट हुए हैं, तो अचानक से बड़े बड़े झटके लगे हैं पंजाब की टीम को, तो इनकी रिप्लेसमेंट भी पंजाब ने बुला ली है। नॉथन एलिस आ गए हैं दोस्तों, उसके अलावा आदिल रशीद आ गए हैं और एडन मार्करम आ गए हैं। तो ये 3 खिलाड़ी है जिसमें हमने देखा है कि मार्करम जो कि विराट के करीबी माने जाते हैं, साउथ अफ्रीका की कप्तानी कर चुके हैं, उनकी भी एंट्री हमें पंजाब की टीम में होती हुई दिखी है। ये मैच ऑफ रिप्लेसमेंट तो नहीं है, मतलब मैच तो नहीं हो रही है रिप्लेसमेंट, लेकिन कुछ नए नाम हैं जो पंजाब की टीम को अगर चल गए तो शायद बहुत बड़ा कुछ परोस कर दे सकते हैं। पंजाब की टीम के बाद दोस्तों बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। एसआरएच की तरफ से अचानक एक नाम आउट हो गया था, वो है जॉनी बेस्ट्रो का। 2 दिन पहले जैसा मैंने बताया जॉनी बेस्ट्रो की रिप्लेसमेंट आ चुकी है और शर्फन रदरफोर्ड जो कि इस समय सीपीएल में वन ऑफ द प्राइम फॉर्म में अपनी चल रही है, मौका जो है लपक लिया, गपच लिया एक तरह से एसआरएच की टीम ने और इनकी एंट्री हो गई है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में। कितना ज्यादा फायदेमंद होगा मुझे उतना नहीं लग रहा क्योंकि इनके जाने से, बेस्ट्रो के जाने से इनकी प्लेइंग 11 थोड़ी सी सेटल होगी, वार्नर और विलियमसन को जगह मिलेगी जो मुझे लग रहा है। आप भी इस पर अपनी राय 4 फॉरेन प्लेयर रूल के हवाले से दीजिएगा। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बाद बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। दिल्ली की तरफ से भी अचानक 2 दिन पहले क्रिस वॉक्स जो खेलते थे आउट हुए हैं, तो क्रिस वॉक्स नहीं खेलेंगे यूएई वाला आईपीएल। अब इनके स्थान पर रिप्लेसमेंट भी आ गई है, दिल्ली की टीम ने बेन डॉर्शॉस को बुलाया है जो कि बिग बैश का एक बड़ा नाम है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। मैच टू मैच रिप्लेसमेंट तो नहीं है लेकिन दिल्ली को जरूरत भी नहीं थी क्योंकि दिल्ली के पास भारतीय खिलाड़ियों की फौज बहुत अच्छी है यूएई में, तो वॉक्स की जगह हमें डॉर्शॉस दिल्ली की टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। दिल्ली के बाद फाइनली अगर हम केकेआर की टीम की अब हम बात करें तो केकेआर के पैट कमिंस नहीं आने वाले थे, बहुत बड़ी मछली, पैट कमिंस नहीं खेलने वाले थे, तो इनकी रिप्लेसमेंट भी दिल्ली ने पहले ही, माफ कीजिए, केकेआर ने बुला ली थी, वो है टिम साउथी। थोड़ी सी मैच आउट रिप्लेसमेंट है, बूढ़ा शेर हम बोल सकते हैं, कितने सफल होंगे नहीं पता।
अब बात करें मुंबई की, तो मुंबई को जरूरत ही नहीं पड़ी थी और मुंबई इंडियंस ने कोई रिप्लेसमेंट नहीं बुलाई थी। चेन्नई सुपर किंग्स के दो प्लेयर्स इस समय चोटिल है, प्लेसिस चोटिल है, ब्रावो चोटिल है, क्या कोई रिप्लेसमेंट बनती हुई नजर आ रही है अगले 3-4 दिनों में? मुझे नहीं पता, हो सकता है हो जाए, लेकिन नाम थे तो मैंने आप तक पहुंचा दिया। तो ये तो थे दोस्तों अभी तक के वो 15 प्लेयर्स के नाम जो अभी तक बाहर हुए और इनकी रिप्लेसमेंट। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि इन नए खिलाड़ियों के आने से किस टीम को फायदा हो रहा है, किस टीम को नुकसान। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स भाई आपके लिए दिया, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।